नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईटी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं ईटी मनी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से कुछ परमिशन मांगे आपके डिवाइस से, सो सिंपली इसको अलाउ कर देना हो। अलाउ करने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन होना हो फ्रेंड। लॉगिन होने के लिए फ्रेंड आप जो अपने ईमेल आईडी से एंड यहाँ पे गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने गूगल से कर लेते हैं। गूगल से करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड, यहाँ पे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स में। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन फ्रेंड है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं यहाँ पे लर्न इन्वेस्टिंग का, तो हम इस पर जो इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे लर्न इन्वेस्ट इस वाला ऑप्शन टाइप करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे सम क्विक्स, तो आपको सिंपली इस पर टाइप कर देना। और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे हम, तब यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, हैंग ऑन। तो आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे सब अच्छे तरीके से ट्यूटोरियल दिखाया जाता है कि आपको कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना, क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक क्विज करना होगा, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्विज खेलते हैं जिसमें आपको 9 क्वेश्चन रहेंगे, आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी करके सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उसका जो है अच्छे से आंसर देते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड यहाँ पे अपना क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ें और फिर यहाँ पे इसके जो 4 जो है आंसर है इनमें से कोई एक सही है उसको आप यहाँ पे टिक करके यहाँ पे राइट कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर यहाँ पे टिक करते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है, यदि आपका सही हो जाता है यहाँ पे 9 में से 5 क्वेश्चन, तो आप इसका अप्लाई के हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बी इन्वेस्ट आइडिया, तो इस आइडिया को देखना चाहते हो तो इस पर टैप करके अब यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ईटी मनी, तो आप यहाँ से फाइंड आउट नाउ कर सकते हैं कि इसमें क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कितना क्या हमको मिलता है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा देता है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग का यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड है, यहाँ पे इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, एक्सिस बैंक, या बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर टाइप करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसके बारे में जानें। तो देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन फ्रेंड यहाँ पे, क्रिएट वेल्थ हो तो आपको यहाँ से इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे एनपीएस है एंड यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे बताएंगे। तब जब आपको यहाँ पे पसंद आए तभी आप जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है इंश्योरेंस डैशबोर्ड है, यहाँ पे इस पर टाइप करके इसके बारे में भी जान सकते हैं। एंड यहाँ पे आते हैं मोर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देख सकते हैं हम इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार इन्वेस्टिंग नाउ, तो आप यहाँ से इस पर टैप करके आप जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन फ्रेंड यहाँ पे इन्वेस्टिंग का। तो आप इसमें म्यूचुअल फंड में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो देख सकते हैं आप जो इस एप्लीकेशन का यूज़ कुछ इसी टाइप से कर पाएंगे। तो बस आज के वीडियो में फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।